हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बारे में। देखिए, आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का माहौल था। स्टॉक भी लगभग 4.5% तक गिर गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा, आज इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी आए थे। रिजल्ट देखा जाए तो कंपेरेटिवली ठीक थे, अच्छे रिजल्ट थे, बुरे रिजल्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में आज बहुत तगड़ी बिकवाली थी। निफ्टी देखोगे तो निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास गिर गया। और इसके अलावा बिक्स भी देखो तो 6% के आसपास उसमें जंप था। कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सभी ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का माहौल आज तगड़ा था। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी आज धराशायी थे। तो ऐसे अच्छे रिजल्ट भी आज सब चले जाएंगे, लेकिन एसबीआई आज भी ग्रीन में दे गया। आप लोग इस पर भी जल्दी वीडियो देखेंगे एसबीआई को लेकर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस आज के बीपीएल को, बीपीसीएल को। तो देखोगे तो इसके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज आर्टिकल भी मुझे लगा, जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बड़े ही मनी कंट्रोल पे है। बीपीसीएल का नेट प्रॉफिट फॉल्स 30% अमिड वीक मार्जिन्स। ये सारी चीजें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन देखने को मिला है, वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके नीचे करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये एड को हटा देता हूँ, वन सेकेंड। या तो बोर्ड ने, बीपीसीएल के बोर्ड ने रिकमेंड किया है बोनस इशू। 1:1, मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको एक शेयर इसमें बोनस के रूप में मिल जाएगा। और लेकिन बोनस ऐसा कुछ नहीं है, जो प्राइस है उसकी आधी हो जाती है। और 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, 21 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। वाओ, बहुत अच्छे। और जो कि आप लोगों को जो जो फाइनल डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपए 5 पैसे पर शेयर के हिसाब से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब बोनस, जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद में ये इसकी एक्स डेट आएगी। तो इसीलिए आपको जो शेयर की जो ओरिजिनल रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को 10 रुपए 5 पैसे 50 पैसे के रेट में देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं चलता हूँ इसके फंडामेंटल पे और क्वार्टर फोर के रिजल्ट पे। तो मार्केट कैप पर डालोगे तो 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो 837 की देखने को मिलती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 349 की है। और आरओसी आरओ काफी अट्रेक्टिव है। स्टॉक का पी देखोगे तो सिर्फ 4.74 का है। इवन मैं यहाँ पर इसको अभी भी 10 के आसपास ले जाने तक के लिए अभी भी सोच रहा हूँ। डेट इक्विटी देखोगे तो 0.72 की है, ठीक है, काफी, मतलब 0.5 से ऊपर है, लेकिन ठीक है, चलता है इतना तो। बाकी अगर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो मार्च से अगर कंपेयर करेंगे तो 118 करोड़ से घट घट के यहाँ पर लगभग लगभग 2,000 करोड़ की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है सेल्स में। और वही कुछ जो नेट प्रॉफिट में बता रहा था 30% के आसपास गिरावट हुई, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुई है। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो काफी अच्छा रिजल्ट लग रहा है, डेफिनेटली काफी अच्छा रिजल्ट लग रहा है। 3,181 करोड़ से बढ़कर के जो प्रॉफिट है वो, और मार्जिन भी देखोगे तो 8% के, यहाँ पर क्या था, 9% के मार्जिन थे और रिसेंट क्वार्टर में 5% के मार्जिन थे। क्योंकि मार्च का क्वार्टर इनका काफी अच्छा रहता था, तो इसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा डेंट तो है। और आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी, तो इसको इस तरीके से नहीं दे सकते कि इसके रिजल्ट का कोई बहुत तगड़ा इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने को मिला होगा। बाकी कल और थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल वगैरह देखने को मिल सकता है। बैलेंस शीट देखोगे तो 73,000 करोड़ का रिजर्व पहुंच चुका है, डेफिनेटली। वाओ। और बोरोइंग देखोगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, 69,000 करोड़ से घटती हुई 54,000 करोड़ के पास देखने को मिली है। मतलब रिजर्व में देखोगे तो लगभग लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का जंप है। और डेट में देखोगे तो डेट में लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का रिड्यूस देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी चीज है ये। और इसका बेसिकली रीजन देखोगे तो प्रॉफिट्स, इस बार कंपनी ने जबरदस्त तरीके से अपना अभी तक का हाई है 26,589 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो रिसेंट सालों में देखोगे तो कहीं पर भी इतना तगड़ा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को अभी नहीं मिलता है। और स्टॉक में देखोगे तो अभी इतने अच्छे मूव अभी देखने को नहीं मिले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स की जो, मतलब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, अभी भी गवर्नमेंट स्टेक कंपनी है। एफआई का देखोगे तो एफआई ने यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज ही किया है। और अगर टोटल पब्लिक की होल्डिंग भी देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी घटती हुई देखने को हम लोगों को मिली है। अगर ट्रेड्स में देखेंगे कुछ देखने को मिलता है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, नहीं।
चलिए ये तो हो गए कंपनी के फंडामेंटल। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देख लेते हैं टेक्निकली स्टॉक कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक कंपनी के फंडामेंटल देखे, न्यूज आर्टिकल्स देख लिया, क्वार्टर फोर के रिजल्ट देख लिए, और इन्वेस्टर्स का क्या अभी चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें देख ली है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकली, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक अच्छा लगना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, आज देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक तो देखोगे तो यहाँ पर एक बना है क्या, इनसाइड बार। इनसाइड बार का यहाँ पर आया है क्या ब्रेक डाउन, यहाँ पर ब्रेक डाउन निकल के आ रहा है। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 1:3 के 1:2 तक के टारगेट तो यहाँ से देखने को मानना चाहिए। अगर लो और हाई की बात करें तो 30 पॉइंट का इसमें लगभग लगभग 26 पॉइंट का देखने को मिलता है, तो 26 लगभग 52 पॉइंट, तो इसके लो से देखिए 52 पॉइंट देखेंगे तो लगभग लगभग वही टारगेट निकल के आता है, 550 रुपए के आसपास का टारगेट भी निकल के आता है। तो क्या फिर से यहाँ पर वापस से इस सपोर्ट के आसपास आता हुआ देखने को हम लोगों को स्टॉक मिलेगा 550 रुपए तक? लेकिन आज की ये कैंडल मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ब्रेक डाउन जरूर निकल के आया है लेकिन आज क्या थे, रिजल्ट के दे थे, तो रिजल्ट के दिन तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहता ही है, तो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी हम लोगों को कॉशियस वगैरह रहना चाहिए, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो स्टॉक में 2 से 3 दिन तक अच्छा खासा वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती ही है, और मार्केट जब करेक्ट होता है तो लगभग सभी स्टॉकों में गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन अगर इन लेवलों पे स्टॉक वापस से मिलता है तो डेफिनेटली फिर से एक बाइंग जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और जो वापस से स्टॉक कुछ इस प्रकार से हम लोगों को घूमता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो रिकवरी डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट जोन है, काफी स्ट्रांग सपोर्ट है 550 रुपए के आसपास, तो यहाँ से हम लोगों को रिकवरी तो देखने को मिलनी चाहिए। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, देखेंगे देखिए अच्छा खासा 2018 से यहाँ पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था, 3-4 महीने तक यहाँ पे इस फेस किया, ब्रेक अगेन रिटेस्ट किया, यहाँ पर आकर के बढ़िया सा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, और अभी तक इनसाइड बार के ही रेंज में है। तो अगर देखोगे तो 2 बार ये सपोर्ट जोन के टेस्ट कर चुका है, 560 रुपए 550 रुपए के आसपास स्टॉक आया है और वहां से बाउंस दिखाया है। तो एक बार अगर 690 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए 690 रुपए के ऊपर निकलना चाहिए। स्टॉक हम लोगों ने जब पहली बार पिक किया था तब ये बढ़िया सा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट निकल के आया था 436 रुपए के आसपास, और वहां से क्या बढ़िया रैली अभी तक देखने को हम लोगों को मिली है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टॉक 3 महीने से तो कंसोलिडेशन के ही जोन में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये थे हम लोगों को बीपीसीएल को लेकर करके डिटेल्स, टेक्नो फंडा क्वार्टर फोर एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास बीपीसीएल है तो किस प्राइस पर आपके पास है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।